नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। महागठबंधन में मचे रार को मैनेज करने में जुटे कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के लिए खुलवाया दिल्ली का दरबार। आरजेडी में हुई फूट की पल पल की कहानी, ऑपरेशन को अंजाम दे रहे सिंह साहब के तिलिस्म में कैसे फंस गया लालू का कुनबा। आरजेडी ने बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को बनाया एमएलसी का उम्मीदवार, इन दो नामों पर भी बनी सहमति। बिहार के 100 आईटीआई कॉलेज की मान्यता होगी रद्द, गड़बड़ झाले के बाद विभाग लेगा एक्शन। अब खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक शुरू हो गया है। जदयू ने राजद को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं महागठबंधन में मचा रार दिल्ली तक पहुंच गया है। हम पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली दरबार तक पहुंच चुके हैं। खबर के मुताबिक महागठबंधन में चल रहे घमासान के बीच जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले अहमद पटेल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महागठबंधन में मचे उथल पुथल को शांत करना चाहती है। इस कड़ी में दोनों नेताओं की मुलाकात कांग्रेस नेता अहमद पटेल से हुई। अहमद पटेल के घर चले घंटे भर की मुलाकात में जीतनराम मांझी की नाराजगी और गठबंधन में चल रहे खींचतान पर चर्चा हुई। राजनीति का जोर तोड़ के खेल से पुराना रिश्ता रहा है। इस रिश्तेदारी ने आज बिहार की राजनीति में खूब रंग जमाया, लेकिन इस जोर और तोड़ के राजनीतिक खेल की खूबी यह रही कि विपक्षी खेमे को शिकार होने का एहसास तक नहीं हुआ। शिकारी ने अपने मिशन को अंजाम दे दिया, तब जाकर पता चला कि उसका तो सब कुछ लूट गया। पूरा का पूरा लालू कुनवा कुछ समझ पाता या फिर शिकारी कोई मौका देता, उसके पहले ही बड़ा झटका राजद को मिल चुका था। इस जोर तोड़ के खेल में कप्तान सिंह साहब का तिलिस्म इतना रहस्यमय था कि भापने से पहले ही गोल पर गोल दाग दिया गया। ऐसा गोल दागा कि असर दूर तक दिखने लगा है। एक ही अटैक में सिंह साहब ने कई शिकार कर लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां विधान परिषद चुनाव के जरिए गोटी सेट कर रही है। आरजेडी के खाते में आए 3 विधानसभा सीट के लिए तय नामों में से एक नाम बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह का कन्फर्म है। इसकी सूचना खुद उन्होंने फेसबुक के जरिए दी है। सुनील सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मुझे बिहार विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु पार्टी की ओर से नामित किया गया है। यह तो आज पूर्ण रूपेण प्रमाणित हो ही गया कि राजनीति में निष्ठा और समर्पण का भी एक अलग ही स्थान होता है। पूरे देश के सहकारिता एवं बिस्कोमान परिवार की ओर से मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने अभिभावक तुल्य माननीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार की पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी एवं इस राज्य के सबसे प्रतिभावान विलक्षण प्रतिभा के धनी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस राज्य के सभी सहकारी बंधुओं को आश्वस्त करता हूं कि सहकारिता और कृषि से जुड़ी हुई सभी बातों को पूरे दमखम और मजबूती के साथ विधान परिषद में रखने का प्रयास करूंगा। बिहार में 100 से अधिक आईटीआई कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है। जिन आईटीआई कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, उनकी सूची बना ली गई है। अब जल्द ही बिहार सरकार केंद्र से ऐसे आईटीआई कॉलेजों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा करेगी। विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में चल रहे प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य में दर्जनों ऐसे आईटीआई कॉलेज हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का बहुत अभाव है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास सही से बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। यही नहीं, सूबे में ऐसे कई आईटीआई कॉलेज हैं जिनका पता गलत है, तो कहीं प्रैक्टिकल के लिए पर्याप्त कमरा नहीं है। यही नहीं, प्रशिक्षण वाले विषयों में भी निजी आईटीआई कॉलेजों में आवश्यक उपकरण नहीं रखे जा रहे हैं, जबकि
बिना प्रैक्टिकल के आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता, कहीं तो केवल सेड में ही निजी आईटीआई कॉलेज चल रहे हैं। अब ऐसे हाल में सूबे के 100 से अधिक आईटीआई कॉलेज की मान्यता रद्द होना तय माना जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण अब बहुत तेजी से फैल रहा है। पटना में मंगलवार को एक साथ 48 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पटना में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पटना के कमला नेहरू नगर में कोरोना बलबला उठा है। सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. चौधरी ने बताया कि पटना के सबसे बड़ी सलम बस्ती कमला नेहरू नगर में 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सबसे ज़्यादा मसौढ़ी प्रखंड के अलग अलग गांवों में 16 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं NMCH में एक मेडिकल छात्र को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मसौढ़ी में 16, कमला नेहरू नगर में 11, PMCH में 6, पंडारक विक्रम नौबतपुर तथा IGIMS के पास 2-2 मरीजों में बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बाकरगंज, आदर्श नगर और फतुहा में 1-1 व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही पटना में लगातार कोरोना का फैलने के खतरे की घंटी बजा रहा है। मंगलवार को बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। अचानक राजद के 5 MLC जदयू में शामिल हो गए। इस तरह राजद को आज बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद में राबड़ी देवी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छिन गई है, क्योंकि विधान परिषद में इस कुर्सी के लिए कम से कम 8 विधान परिषदों का होना जरूरी है, जबकि राजद के विधान परिषद में केवल 3 सदस्य ही बच गए हैं। वहीं जदयू ने दावा किया है कि अभी राजद के कुछ और नेता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजद अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति अब गर्म हो गई है। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि राजद सुप्रीमो को तेज प्रताप यादव या मीसा भारती को पार्टी का नेता बनाना चाहिए। इधर इस मामले को लेकर लालू के बड़े लाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने तो मुख्यमंत्री को भागते देखा है, MLC क्या चीज है। उन्होंने कहा कि लालू बादी का न कभी धक्के हैं और न कभी झुके हैं। जीतन राम मांझी जहां राजद को आंख दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर रालोसपा ने भी कांग्रेस पर आंखें तरेरना शुरू कर दिया है। RLSP ने कहा है कि कांग्रेस ने जो वायदा किया था उसे पूरा करें। कांग्रेस के लिए अभी का समय अपने किए वायदों को पूरा करने का समय है। अगर कांग्रेस अपने किए वायदे को पूरा नहीं करती है तो विश्वास उठ जाएगा। ऐसे में महागठबंधन की एकता भंग हो जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव में इसके गंभीर परिणाम होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कांग्रेस को अपने किए वायदे को याद दिलाते हुए कहा कि आप
मोतिहारी सीट पर जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो अचानक मेरी टिकट को काटकर वहां से एक दूसरे नेता को चुनाव लड़ाया गया। तब कमिटमेंट था कि राज्यसभा या फिर विधान परिषद की एक सीट इसके बदले में दी जाएगी। अब वह समय आ गया है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे पूरा करे। आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आगे कहा कि इस बार के विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस कोटे में एक सीट गई है, ऐसे में वह सीट आरएलएसपी को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में विश्वास की कमी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कुछ ऐसे नेता हैं जो वायदे से मुकर रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर आपने अपने सहयोगी के लिए जो वचन दिया है उसे पूरा करिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान। बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पटना से। बिहार में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार मौसम विभाग की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि सूबे के खासकर पूर्वी उत्तर और उत्तरी पश्चिम हिस्से में 24 से 29 जून के बीच अच्छी से बारिश होने की संभावना है। 24 से 29 जून तक होने वाली भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन को सूचित कर दिया है। इसके साथ ही पटना मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने की आशंका जताई है। CBSE की क्लास 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और CBSE ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए बची हुई परीक्षाएं रद्द करने या नहीं करने पर विचार किया जा रहा है और इस पर आज फैसला आएगा। केंद्र और CBSE की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। CBSE और मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि पेपर रद्द करने पर चर्चा एडवांस स्टेज में है और गुरुवार तक इस पर अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार 25 जून को दोपहर 2 बजे होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।